क्या आपको पता है कि चाइना में शादी करना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं? छोटी सी किताब ने पूरे देश के हर एक इंसान की जान कैसे पकड़ रखी है, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इस किताब के बिना कोई इंसान चाइना में शादी कर ही नहीं सकता। तो आज हम चाइना में लोकल लोगों से बात करके समझेंगे इस किताब का फंडा क्या है बॉस। चलिए बात करते हैं हम उस राज की जो चाइना चाहता नहीं कि देश के बाहर लोगों को पता चले। हाय गाइस, मैं हूं अथर और मैं रहता हूं चाइना के ग्वांगझोउ शहर में। इस वीडियो के और पूरे चैनल के थ्रू मेरा बस ये पर्पस है कि चाइना की वो सारी विचित्र चीजें आप तक पहुंचा सकूं जो आपको चाइना में आए बगैर आपको पता नहीं चलेगी, और जब तक यहाँ पे रहो नहीं तब तक तो बिल्कुल पता नहीं चलेगी। और अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर बिल्कुल करना। मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ इसे चाइना में कहते हैं फैमिली बुकलेट, या चाइनीज में बोला जाता है कूखो। ये बुकलेट आपके फैमिली के हर एक सदस्य की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। इसका मतलब है आप भले ही लड़का हो या लड़की हो, आपकी इंफॉर्मेशन इस बुकलेट में जरूर होगी। और आप जब शादी करने के लिए जाते हैं, इसका मतलब आप अपने फैमिली में एक नए सदस्य को ऐड करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको इस बुकलेट की जरूरत पड़ती है। तो इसका ये मतलब है कि ये बुकलेट खाली एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपका चाइना में शादी करने का अधिकार भी है। आओ हम चाइना में एक लोकल से बात करके पता करते हैं कि ये बुकलेट आखिर में है क्या और ये बुकलेट आखिर में है कितनी पावरफुल। And the register, you know. So everyone in the family? Yes. So husband, wife, kids, how many kids you have? So Yes. But you are saying it's not needed anymore. Shinzai Kuyong. No, this kind of hukou but still valid. Agar aapke parents jo aap jisse shaadi karna chahte hain usko accept nahi karte, तो आपको ये बुकलेट नहीं देंगे और आप उस इंसान से लीगली शादी नहीं कर पाएंगे। नॉट लाइक अदर कंट्रीज, जैसे इंडिया में होता है कि अगर आप एक एज के ऊपर निकल जाए जैसे 21, तो फिर आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। यू आर फ्री टू मेक योर ओन डिसीजंस, पर चाइना में इतनी फ्रीडम है ही नहीं। But now, no such policy. That means you can also you can only use your ID card and then register. Marry with someone. Oh, so it's that one less document. Especially for me with we worry about that, because if you have to take the hukou, but that means you have to, you know, report to your like parents that oh, I want to marry with someone. Yeah. I have to get the hukou, but please give it to me. Nice. तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार एक तरह से सिस्टम अच्छा भी है कि लोग यहाँ पे भाग के शादी नहीं कर पाते होंगे, जैसे काफी सारे खबरें इंडिया में सुनने को मिलती है कि इन लोगों ने भाग के शादी कर ली क्योंकि पेरेंट्स ने अनुमति नहीं दी। तो क्या चाइना में लोग भाग के शादी नहीं करते? जी नहीं। तो जहाँ पे सिस्टम होता है वहां पे सिस्टम का तोड़ भी होता है। तो चाइना में लोगों को अगर शादी करनी होती है अपने मनचाहे पार्टनर से, जो कि पेरेंट्स अगर अलाउ नहीं कर रहे, तो फिर वो एक अजीबोगरीब चीज करते हैं। So, but now they don't need their permission from parents. Yeah, exactly. And also sometimes some interesting stories that for go abroad and marry with the others. But the parents didn't permit that, they will try to steal the hukou. कि वो अपने ही घर से ये बुकलेट चुरा लेते हैं और फिर उस बुकलेट में फाइनली अपने नए सदस्य को ऐड कर लेते हैं या मन चाहे इंसान से शादी कर लेते हैं। चाइना में भी क्योंकि भारत की तरह फैमिली वैल्यूज बहुत हाई होती हैं, इसीलिए यहाँ पर भाग के शादी करना एक स्टेप और मुश्किल हो जाता है। और काफी सारे पेरेंट्स ये बात जानते भी हैं, तो फिर वो अगर जानते हैं कि वो बंदा किसी इंसान से शादी करना चाहता है जिसको वो अनुमति नहीं देना चाहते, तो वो इस बुकलेट को और ज्यादा छुपा के रखते हैं। तो ये छुपन छुपाई का गेम चाइना में चलता रहता है। तो आपको मैं एक सीक्रेट बात और बताता हूँ, ये जो चाइनीज फैमिली बुकलेट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत सालों से है चाइना में, पर आजकल ये इतना रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि ये चाइना में एक्टिवली डिस्कस किया जा रहा है और
सुनने में तो ये भी आता है कि सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि इस सिस्टम को हटा दिया जाए, पर क्यों? इतने सालों से जो सक्सेसफुली सिस्टम चला आ रहा है, अब अचानक से वो क्यों मिटा दिया जाएगा? सरकार क्यों सोच रही है इसको हटाने का? क्या सरकार चाहती है कि लोग और फ्रीडम महसूस करें, लोगों को और फ्रीडम देना चाहती है? Removing such policies really, you know, the change is that because people don't want to get married. Yeah. So now you have to get married anyhow, whether you get your parents' permission or not, just get married. After one child policy, China की population काफी stagnant हो गई, और China के जो birth rate हैं, इसके हिसाब से अगर एक्सट्रैपोलेट किया जाए तो पता चलता है कि आने वाले टाइम में चाइना की पॉपुलेशन और घटती जाएगी। यहाँ तक कि इसको इनकरेज करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी को कुछ सालों पहले हटा दिया, और यहाँ तक कि अब गवर्नमेंट इनकरेज करती है कि दो बच्चे करें, तीन बच्चे करें यहाँ तक कि, और उनके लिए टैक्स बेनिफिट्स भी देती है, क्योंकि चाइना को यूथ की अभी सख्त जरूरत है, और चाइना धीरे धीरे एक बूढ़ा देश बनते जा रहा है, तो बहुत जरूरी है चाइना के लिए कि लोग बच्चे पैदा करें, और बच्चे पैदा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? शादी करना। तो चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है कि शादी करने में जितनी भी फ्रिक्शंस हैं, जैसे ये फैमिली बुकलेट, इन सब को धीरे धीरे हटा दिया जाए। Immediately you can get divorced immediately. You can't. You have to you, like a 1 month grace period. Really think about that. So that's good, right? Not good. Why? Not good. Not good. Because it makes less family, right? But that means you're very easy or even not really think too much. Consider too much to get into the marriage. Yeah. But you are really hard to separate if it's a bad relationship. It's easy to get in a relationship, but it's hard to get out of a relationship. So this is not how it works. For a woman? Yes. Why a woman? It's same for men and women both, right? You know the film, like because husband is bigger, so yeah, it'll be easy to beat the wife. Oh, it's called domestic violence. So this kind of domestic violence. Yeah. If you really face such a situation for a woman, we can't be separated, right? Say not on paper, but you can still go and live somewhere else, right? Maybe, but I don't. You can go. You can go and live with your parents' house until that 1 month, right? Depends on right. It depends on really how dependent. Because when the woman or the lady get married, they may be really they won't never go outside for work. Yeah. They still work and they take care of the family and everything. They need to ask for money, support from the husband. The husband. How can they separate? Usually also. Some cultures here is like. Yeah, it's same. Not really easy to get support from from your parents somehow. So this is bad, I would say. Actually, it's same. It's the same in India and China. I would say it's very similar because there is no concept of hook open in India. Okay, so you just need I think two witness to get married in India. So maybe you can bring your friends or they just need to sign that that they're married. They don't need anything for a marriage registration. So getting married is easy. And this is so rigid in India. Huh? So this is just rigid in India. As we say, this only restrict in that particular country. Yeah. So you can get married everywhere. Yeah. So just because you're married in India doesn't mean you're married in China. You can marry in one country. And if you are creative, why not just one country? Every city.
Look, I think can't ever take it now because not legally. Not legally. Yeah. And also the I think the networking is very different networking now. Building those digital systems. Digital systems. So you can't if you now like get married in Guangzhou or in Shanghai or in other city, they can find that you get married in their city. They are connecting the system. So because of the digital systems, you can't marry so many times, man. So let's make a global system. Yeah, there should be a global system, yeah. To stop someone thinking like you, right? Not like me. Just kidding, lah. Like you, yeah. You know, so a couple you of minutes. Right, you can't understand. तो ये था चाइना में फैमिली बुकलेट का एक अनोखा कानून। आपके क्या विचार है? क्या इस तरह के कानून अपने देश में भी होने चाहिए या किसी भी देश में होने चाहिए? क्या पेरेंट्स की अनुमति इतनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन कोई उनके अनुमति के बगैर ले ही नहीं सकता? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपके इस पर क्या विचार है। और मुझे इस विचित्र कानून के बारे में पता चला जब मैं मेरे खास फ्रेंड बॉब के ट्विंस को स्विमिंग करने देखने जा रहा था जो कि जस्ट अभी पैदा हुए थे। तो अगर आपने क्यूट क्यूट न्यू बॉर्न बेबीज को स्विमिंग करते हुए नहीं देखा है तो मेरा वो वीडियो जरूर चेकआउट करना यार। क्या कर रहे हो, गए नहीं अभी तक? चाइनीज क्यूट गोल मटोल ट्विंस वेट कर रहे हैं यार, उनको स्विमिंग करते हुए देखो, स्विमिंग पूल में वेट कर रहे हैं, कूद गए, जाओ।